फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की करैली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करैली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। ये 4 चोरी के मामलों में गिरफ्तार लोगों से करीब 5.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात व नकद 1 लाख से ज़्यादा रुपए व 2 तमंचे, 2 अपाचे गाड़ी व कारतूस जिंदा बरामद किए हैं। वहीं SCP पुष्कर वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए इस घटना का खुलासा किया है और साथ ही किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देते थे ये भी बताया है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। आज दिनांक 11/5/24 को पुलिस आयुक्त प्रयागराज कमिश्नरेट, पुलिस उपायुक्त नगर सर के मार्गदर्शन में थाना करैली को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो थाने पर 4 अभियोग पंजीकृत हुए थे, 3 बेनीगंज में चोरी के, 9/24, 36/24 और 64/24, और 1 GTB नगर में चोरी का जो 74/24 था, उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक है सिनायुल जिसकी उम्र 24 साल है, एक है आतिशान जिसकी उम्र 22 साल है, एक है कैश जिसकी उम्र 24 साल है। ये तीनों कसारी मसारी के रहने वाले हैं और इनका जो अब पुरानी हिस्ट्री रही है, क्रिमिनल हिस्ट्री, उसमें आतिशान पर 10 मुकदमे, कैश पर 9 और सिनाउल पर 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। बरामदगी में 2 अदद तमंचे, 2 अपाचे बाइक चोरी की, 2 कारतूस, 1,35,000 का कैश और कुल पीली धातु और सफ़ेद धातु के जवाहरात जिनकी कुल कीमत 5.5 लाख के करीब है वो बरामद हुए। गैंग का लीडर आतिशान था। ये बेसिकली शाम और रात में बाइक पर, चोरी की बाइक पर घूमकर रेकी करते थे और उसी दिन जिस भी घर में ताला मिलता था उसको लोहे की छड़ी से तोड़कर उसके अंदर घर में घुसकर चोरी कर देते, उसी दिन अंजाम देते। संगम नगरी प्रयागराज में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूक एवं शत प्रतिशत मतदान करने के अभियान को लेकर सेंड आर्टिस्ट अजय ने सेंड आर्ट बनाया है जो मतदान दिवस को लेकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद प्रयागराज में, जहां 25 मई को मतदान संपन्न होना है, आगामी 25 मई 2000 को शत प्रतिशत मतदान की जाने के दृष्टिगत सेंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता, उनकी टीम मनोज, अंजलि और जय किशन द्वारा एक भव्य सेंड आर्ट तैयार किया गया। प्रयागराज जनपद में समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित में मतदाता जागरूक विशेष अभियान शुभारम्भ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा किया गया। बता दें ऐसे में जो सेंड आर्ट बनाया गया था वो संगम VIP घाट पर बनाया गया था जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। और क्या कुछ कहना था इस मौके पर सेंड आर्टिस्ट का ये दिखा सर। हम लोगों ने सेंड आर्ट किया है जो कि मतदाता जागरूकता का, सर हम लोगों ने जो अभियान चल रहा है उस पे एक सर सेंड आर्ट किया है। सेंड आर्ट में सर हम लोगों ने एक हाथ का बनाया है उंगली जो कि वोट दबाते हुए EVM मशीन बनाया है। सर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार भी सर जो लोग ये अवकाश समझ कर घर से नहीं निकलते हैं कि क्या जाए वोट क्या दे, सर वो वोट घर से निकल कर अवश्य करें क्योंकि हम लोग का एक एक वोट कीमती है, उससे ही सर हम लोगों की सरकारें बनती है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस बार भी सर घर से निकल कर आप सब वोट करें। सर मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता, संगम प्रयागराज। क्या आपको मालूम है पितृ दोष और धन की संबंधित सारी समस्या को दूर करता है पुष्प नक्षत्र? ऐसे में किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरह से पुष्प नक्षत्र में क्या खास होता है और कब है पुष्प नक्षत्र, आइए बताते हैं आपको। क्या कुछ कहना है पंडित सप्रा सचदेव का पुष्प नक्षत्र को लेकर? पुष्प नक्षत्र इस बार सोमवार को है और किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरह से धन की समस्या दूर होती है, आइए दिखाते हैं आपको। 13 तारीख का आने वाला पुष्य नक्षत्र आपकी जिंदगी से पितृ दोष को दूर करेगा। 13 तारीख सोमवार को सुबह 11 बजे पुष्य नक्षत्र लग रहा है जो कि 14 तारीख के दिन के 1 बजे तक रहने वाला है। जिन जातकों की कुंडली में पितृ संबंधी दोष है वह जातक सोमवार के दिन शाम को शिव जी के मंदिर जाएंगे, कच्चा दूध चढ़ाएंगे और साथ में गाय के घी का दीपक जला के आएंगे तो उनकी जिंदगी से पितृ संबंधी दोष दूर हो जाएगा। मंगलवार को सुबह हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां से ऑरेंज कलर का सिंदूर लेके आएंगे और अपने घर के जहां पे आप धन रखते हैं वहां पे रख देंगे
तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से धन संबंधी दोष खत्म हो जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।